Hello students, today we have discussed class 9 subject biology and your topic is plant diseases. हमने previous video में आपको plant disease के बारे में बताया था. अब बात करते हैं degree of prevalence of diseases. अब ये two types की होती है आपकी, infectious disease और contagious disease. यानी कि इन्फेक्शन डिजीज द डिजीज विच स्प्रेड कैसे होती है, स्लोली थ्रू पैथोजन इज कॉल्ड इन्फेक्शन डिजीज. जबकि अगर बात करें कैंटेजियस डिजीज की तो कैसी होती हैं, वेरी रैपिडली स्प्रेड्स होती हैं. ओके स्टूडेंट, तो टू टाइप्स की डिजीज होती हैं, इन्फेक्शियस और कॉन्टेजियस. अब बता ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज किस प्रकार से फैलती है डिजीज. तो दीज आर सीड बोर्न, बीज जनित यानी बीज में ही सीडी कैसा है, अनहेल्दी है, उसमें पहले से डिजीज है. अगर हम उसको क्या करेंगे, शोइंग करेंगे यानी कि बोएंगे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, तो पहले से क्या है, डिजीज से युक्त है, सीड बोर्न है. ऐसी सोयल में प्रॉब्लम है, सोयल में डिजीज है, फंगी लग रहा है, अदर और उसमें वीड्स हैं. इसी प्रकार से वाटर में भी मीन्स हम जब इरिगेशन करते हैं तो वाटर अगर कैसा होगा, क्लीन होगा तो डिजीज़ नहीं होगी. जबकि क्या होगा उसमें, अगर सपोज़ करो डिफरेंट टाइप्स की उसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस होंगे तो क्या होगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. एयरबोर्न, एयर में भी होता है, आपने देखा होगा. जैसे लाइकेन सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है. सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल किस प्रकार से है आप जानते हैं, एल्गी और फंगी मिलकर क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं. तो जब लाइकेन रेनी सीजन में बनता है और ड्राई होने के बाद क्या हो जाता है, बस्ट हो जाता है. बस्ट होने के बाद क्या होता है, एयर पोल्यूशन करता है. तो ये प्रॉब्लम इस प्रकार से एयरबोर्न यानी कि एयर में कुछ ना कुछ जो हार्मफुल है किसके लिए, क्रॉप्स के लिए, प्लांट्स के लिए, तो एयरबोर्न. तो ये हैं आपकी ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज. अब आता है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स. हमें पता है स्टोर, अब ग्रेन्स अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करा हमने तो इसको क्या करेंगे, स्टोर करने की. तो नीड ऑफ क्यों नीड है, फॉर सेफ स्टोरेज, नीड फॉर सेफ स्टोरेज. तो इसका हम क्या करते हैं, इसे सेफ करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमें उसको यूज़ करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है अदर कंट्रीज में भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और बहुत लंबी डिस्टेंस में हमें उसे भेजना होता है. तो किस प्रकार से लंबे समय तक, क्योंकि 1 ईयर 2 ईयर तक उसे क्या होता है, सेव करना रहता है हमें. तो वेयर हाउस वगैरह बना दिए जाते हैं, गोदाम वगैरह बना दिए जाते हैं जिसमें उसको सेव करते हैं. ठीक है, अब आता है मोड्स ऑफ स्टोरेज. ओके, तो फूड मटेरियल कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स होता है. अब कैसे होता है, यानी कि हम फूड, एक होता है पेरिशेबल फूड मटेरियल, एक होता है नॉन पेरिशेबल फूड मटेरियल. अब पेरिशेबल फूड मटेरियल क्या होता है स्टूडेंट्स, तो पेरिशेबल फूड मटेरियल आपका, यानी कि पेरिशेबल फूड मटेरियल द फूड मटेरियल विच गेट स्पॉइल इजिली ऑन कीपिंग फॉर सम टाइम एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड पेरिशेबल फूड मटेरियल. एग्जाम्पल के रूप में फ्रूट्स रखते हैं आप, यानी कि रूम टेम्परेचर पर आप उसको रख सकते हो, ऐसा फूड मटेरियल क्या कहलाता है, पेरिशेबल फूड मटेरियल कहलाता है. लेकिन जिसे लंबे समय के लिए, सपोज करो नॉन पेरिशेबल फूड मटेरियल है, तो ये फूड मटेरियल डू नॉट गेट स्पॉइल इवन ऑन कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम एट रूम टेम्परेचर, पर इसे नहीं रख सकते, खुले में नहीं रख सकते. जैसे वीट है, आपने देखा होगा इसे खुले में नहीं रखते, आपकी वेजिटेबल ऐसी ओपन रहती है. लेकिन आपका वीट क्या हो सकता है, जो टंकी होती है, टैंक होते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, उसको फिल करके उसे क्लोज कर देते हैं. ठीक है, ऐसे राइस है, मेज है, तो ये क्या है, नॉन पेरिशेबल फूड मटेरियल. ड्राई स्टोरेज स्टूडेंट्स, अब ड्राई स्टोरेज यानी कि जो स्टोर करते हैं फूड मटेरियल को, तो उसे क्या करते हैं, उसको ड्राई करते हैं, ड्राई स्टोरेज करते हैं उस रूम टेम्परेचर इस कार. तो अब क्या होता है, कोई भी ग्रेन है या कोई भी सीड है या कोई भी आपकी जो आपने क्रॉप्स प्रोडक्शन करा उसको आप सेव कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, उसे ड्राई करते हैं. क्यों, फंगस उत्पन्न ना हो, किसी प्रकार का उसमें मॉइस्चर ना हो, कोई डिजीज ना बन पाए. तो द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड ड्राई स्टोर.
ठीक है। अब स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन ऑन अ कॉमर्शियल स्केल आपके कैसे होते हैं, जैसे नॉन पेरिसेबल फूड मटेरियल आर स्टोर्ड, क्योंकि इन्हीं करते हैं, पेरिसेबल को तो करते नहीं है फूड मटेरियल, क्योंकि वेजिटेबल को तो करते नहीं है। आपका वेजिटेबल है, मिल्क है, मीट है, इसको तो स्टोरेज नहीं करते, रूम टेम्परेचर वैसे रख देते हैं किसी पॉट वगैरह में, अपने आपके घर में बर्तन वगैरह में, या किसी जो मतलब जो भी आपके पास सामान है को एकदम खुले में ओपनली इनको रखते हैं। अब गनी बैग होते हैं और ग्रेन सिलोज होते हैं, तो ये यूज़ करे जाते हैं डोमेस्टिक लेवल पर, हम घरों में यूज़ करते हैं इनको, जिसमें हम क्या करते हैं स्टोर कर देते हैं स्टोरेज में। अब इससे क्या होता है, कंट्रोल होता है, कंट्रोल ऑफ पेस्ट। अब कंट्रोल पेस्ट का क्या होता है, यानी कि द स्टोर फूड ग्रेन्स आर जेनेटिकली अटैक करते हैं किस पर, डैमेज बाई पेस्ट सच एज इंसेक्ट एंड रोडेंट, तो इन स्पाइट ऑफ ऑल प्रिकॉशंस टेक फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स द डैमेज बाई इंसेक्ट एंड रैट्स कैन नॉट बी कम्प्लीटली प्रिवेंटेड, मेंटेन द डैमेज कॉज बाई पेट्स इज नॉट डिटेक्टेड टाइमली एंड इट रिमेन्स अननोटिस्ड। अगर आप देखेंगे तो अब हमें क्या करता है, इनसे पेट से ही बचाना है, तो उनसे ही बच जाता है जब स्टोर कर लेते हैं, तो रैट वगैरह से बच जाता है। अगर खुले में ओपन में आप देख रहे होंगे, बोरों में भर देते हैं, कट्टों में भर देते हैं, तो क्या होते हैं उनको काट देते हैं, और वो अपने फूड का यूज़ करते हैं, अपने लिए फूड का यूज़ करते हैं, और साथ साथ में क्या करते हैं ये हार्मफुल होते हैं किसके लिए, एक एक फार्मर के लिए, वो जो ग्रेन स्टोर है उसके लिए। ठीक है, तो ये आपका कंट्रोल ऑफ पेस्ट। इसके बाद स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस क्या होती हैं वो पेस्टिसाइड्स की, क्योंकि हमें पता है पेस्टिसाइड जनरली यूज़ करे जाते हैं टू कंट्रोल द पेस्ट को, कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से रैट्स एंड इंसेक्ट इन द स्टोर फूड ग्रेन। अब ये क्या है आपके, आपका है मेलेथियन, एक मेलेथियन है, पायरेथियम है, डीडीटी है, EDB है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपकी इथाइलीन डाइब्रोमाइड, ऐसी सेल्फास, सेल्फासम जिसका फुल नेम होता है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, आपने देखा होगा सेल्फास बहुत रखते हैं टैंक वगैरह में, टंकी वगैरह में, किसको, जो ग्रेन्स होता है जो उसको स्टोर करते हैं उसको हार्म से बचाने के लिए, यानी कि उस पर किसी प्रकार की कोई मतलब पेस्टिसाइड्स का काम करता है पेस्ट से बचाने के लिए। जिंक फॉस्फाइड का सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर सेल्फास का यूज़ किया जाता है, आपने देखा होगा इसकी टैबलेट वगैरह रखी जाती हैं। साथ साथ में कुछ क्या होता है कि जैसे पेस्टिसाइड आर अप्लाइड ऑन द स्टोर्ड फॉर फूड ग्रेन्स आइदर बाई क्या कहते हैं स्पेरिंग और बाई फ्यूमिंग कैंस, कुछ स्पेरिंग भी करते हैं उस पर जो फूड ग्रेन्स होता है। ठीक है, तो ये कम देखने को मिलता है किसका करते हैं, मेलेथियन एंड पायरेथियम का, ऐसी फ्यूमिगेट्स, तो द वोलेटाइल पेस्टिसाइड्स आर क्या कहलाते हैं, फ्यूमिगेट्स कहलाते हैं, यानी कि हमें स्टोर करने होते हैं उनको किस प्रकार से लॉन्ग टाइम तक हम स्टोर कर सकते हैं इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। अब आता है कंट्रोल ऑफ रैट्स, तो हमने देखा हुआ कंट्रोल रैट्स को आप क्या करते हैं, यानी कंट्रोल ऑफ रैट्स रैट पॉइजन देते हैं उन्हें, और जो क्या कहलाता है हमारा रैट पॉइजन या रोडेंटिसाइड्स जिसे बोलते हैं रैट पॉइजन, उसको रख देते हैं, आपने देखा होगा राइस वगैरह में मिक्स करके रख देते हैं, तो रैट क्या होते हैं, अगर तुम्हारी जो ग्रेन्स है आप लोगों की जो ग्रेन्स है स्टोर करते हैं तो उसको हार्मफुल यानी कि उसको हानि नहीं पहुंचाते हैं, उसको हार्म नहीं पहुंचाते हैं इसको, क्योंकि जब इनको रख देते हैं पॉइजन, जो पॉइजन होते हैं रैट पॉइजन, तो उनको वो खा के क्या हो जाते हैं डेड हो जाते हैं, तो हमारा जो ग्रेन्स है वो जो स्टोर हमने कर रखा है वो सेफ रहता है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।